Hello students, myself Pankaj Kumar Taylor, lecturer GPC Chittorgarh. Today we will discuss about an important unit of management and entrepreneurship, that is EL 310. Aaj hum baat karenge Fayol's principle of management ki. Fayol ek metallurgical scientist the, unka bahut lamba experience raha hai इंडस्ट्री में. मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए एक बुक लिखी थी और मेटलर्जी में उनकी रिसर्च और उनके मैनेजमेंट के अनुभवों के लिए उनको एक नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था. उन्होंने अपनी इस किताब में फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ 14 प्रिंसिपल दिए थे और फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन हर बार BTR के पेपर में आता है. Write a short note या फिर explain the Fayol's principle of management. So कुल मिलाकर उन्होंने 14 principle दिए थे. So सबसे पहले start करते हैं उनका जो पहला principle है, that is division of work, यानी कि काम को divide कर देना. लेकिन उन्होंने जो ये division of work अपनी theory में specify किया था, उसमें उन्होंने दो group बनाए थे. पहला group है managerial group, जो मैनेजर से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करेगा. दूसरा ग्रुप था नॉन मैनेजरियल ग्रुप, यानी कि जिनका काम मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, ऑर्डर्स को फॉलो करना जिनका काम है, वो नॉन मैनेजरियल जॉब को परफॉर्म करने वाले ग्रुप में कैरेक्टराइज किए गए हैं. इस स्पेशलाइजेशन से उनके स्किल और प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बढ़ाने में मदद मिलती है. फेयोल ने दूसरा प्रिंसिपल दिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर मैनेजर्स से हैं, उन मैनेजर्स से जो कमांड इशू करते हैं. वो कमांड इसलिए इशू करते हैं क्योंकि उनके पास में कमांड या निर्देश देने की पावर होती है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो एक अंग्रेजी की बहुत मशहूर कहावत है कि विथ ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर्स हैं ऑर्डर इशू करने की, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा होगी. तीसरा प्रिंसिपल ऑफ जो फेयोल्स का दिया था उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा था डिसिप्लिन, यानी अनुशासन. इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको मैनेजमेंट्स के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, उनका ऑबे करना चाहिए, उसके अनुसार उनको काम करना चाहिए. चौथा प्रिंसिपल दिया था उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन सुपरवाइजर. दैट मीन्स कमांड में यूनिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नीचे ऑर्डर्स जिनको फॉलो करना है उनको मल्टीपल लोग कमांड दे रहे हैं. इससे क्या होगा, उनके बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सा ऑर्डर पहले फॉलो करना है और किसका ऑर्डर फॉलो करना है. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड. देन पांचवा प्रिंसिपल दिया था उन्होंने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि पीपल एंगेज्ड इन अ सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज मस्ट हैव सेम ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो सेम तरीके का जिनको टास्क दिया गया है वो एक अलग ग्रुप में, फिर दूसरा जो सेम एक्टिविटीज़ का काम करने वाले जो लोग हैं उनको अलग ग्रुप में, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सारे बेसिकली ग्रुप्स कहलाते हैं. तो इनके बीच में बेसिकली क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए. अलग अलग उनके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से उनका ग्रुप बनाना चाहिए. फिर है सबऑर्डिनेशन. सबऑर्डिनेट का मतलब होता है वो जो एम्प्लॉई अपने अपर अथॉरिटी लेवल्स के ऑर्डर्स को फॉलो करता है. सो जनरली मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मीडियम लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट. सो जनरली ये ऑर्डर्स जो हैं वो टॉप टू बॉटम इनका फ्लो रहता है और रिपोर्ट्स जो जाती हैं वो जाती हैं बॉटम टू टॉप. सो सबऑर्डिनेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सातवां प्रिंसिपल उन्होंने दिया था फेयर रेमुनरेशन फॉर द एफर्ट, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत या एफर्ट के हिसाब से एक फेयर रेमुनरेशन, यानी कि उनकी आय या उनकी सैलरी या उनका भत्ता उनको उनके एफर्ट के हिसाब से मिलना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो एम्प्लॉयज़ के बीच असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन के विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाएगी.
आठवां बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फेयोल्स ने दिया था, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन से हमारा मतलब है कि मैनेजमेंट के जो तीन लेवल हैं, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मीडियम लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट, तो उनके बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है कि ये पावर्स और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो है वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ होता है। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कब करना है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके कल्चर पे, उसके अवेलेबल स्टाफ पे, और जो ऑर्गेनाइजेशन क्या बिजनेस कर रहा है इस पे भी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है। फिर नाइन्थ प्रिंसिपल फेयोल ने दिया था स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि अ लाइन ऑफ अथॉरिटी वेयर एवरी एम्प्लॉय रिपोर्ट्स टू हिज सुपरवाइजर, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने से ऊपर जो उसका बॉस है उसको अपनी रिपोर्ट्स देनी होती हैं काम की। वो सुपरवाइजर अपने से ऊपर जो भी लोअर मैनेजमेंट लेवल होता है उसको रिपोर्ट करता है, लोअर मैनेजमेंट लेवल जो है वो मिड लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है, मिड लेवल मैनेजमेंट अपर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। सो इस तरीके से ये स्केलर चेन जो है वो डेवलप होती है। देन 10th प्रिंसिपल दिया था फेयोल्स ने ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे निर्देशों से है, सो रेफर्स टू मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो जनरली अपर मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो निर्देश इशू करते हैं, सबॉर्डिनेट लेवल पे वो लोग उनको फॉलो करते हैं और उसके अनुसार वो अपनी रिपोर्ट बॉटम टू टॉप पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद 11th प्रिंसिपल जो फेयोल्स ने दिया था वो है इक्विटी, यानी कि इक्वलाइजेशन, समानता, यानी कि ऑल द एम्प्लॉयज़ मस्ट बी ट्रीटेड विथ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस, यानी एम्प्लॉयज़ के बीच में किसी के साथ कोई भी पक्षपात या भेदभाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि ये उस ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान के विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाएगी। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि किसी भी जो एम्प्लॉय है उसका कार्यकाल जो है वो स्थायी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है उसको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मुझे कभी भी यहाँ से निकाला जा सकता है, तो फिर वो ठीक से अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएगा और ये स्थिति भी संस्थान के विकास के लिए सही नहीं मानी जाएगी। उसके बाद 13th प्रिंसिपल जो फेयोल्स ने दिया था वो है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग हैं काम करने वाले उनको एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो किसी भी नए काम को या पुराने काम को करने के लिए पहल करें, आगे आएं। इससे ऑर्गेनाइजेशन के विकास में बहुत मदद मिलती है, लेकिन इस पहल करने के लिए उनको ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने लेवल पे प्रोत्साहित या एनकरेज करना चाहिए। फियोल ने एक आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया था जिसको हम एस्पिरेट डे कॉप्स के नाम से जानते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो काम करने वाला जो ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है उनके बीच में एक प्राइड या मोरल की फीलिंग, उसको हम एस्पिरेट डे कॉप्स बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू द रेज ऑफ मोरल मोटिवेट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का उनके बीच में जब ये स्थिति होगी तो उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और इसी प्रोत्साहन के साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने विकास में मदद भी मिलेगी। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स एज गाइडलाइंस इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज। मैनेजर्स के लिए ये 14 के 14 प्रिंसिपल जो हैं वो एक तरीके से गाइडलाइंस मानी जाती हैं मैनेजमेंट थ्योरी के रिस्पेक्ट में। दिस प्रिंसिपल मस्ट बी फ्लेक्सीबल एंड अडेप्टेबल एज पर बिजनेस नीड्स एंड सिचुएशन। अब ऐसा नहीं है कि ये 14 के 14 प्रिंसिपल जो हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो किए जाएंगे, ये एक तरीके की गाइडलाइंस है। अब इसको किस ऑर्डर में और कहाँ तक फॉलो करना है या किया जाना चाहिए ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है।